Good morning. Today is the 18th of November 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। मूडी जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडी ने हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग को 14 साल के बाद इंप्रूव किया है। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को डिटेल से। नीचे का आर्टिकल पद्मावती मूवी से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद बीच में यह बड़ा आर्टिकल पॉपुलिज्म से संबंधित है, फोकस किया गया है इंदिरा गांधी के जीवन काल पे। तो इंदिरा गांधी के जीवन काल से एग्जांपल्स उठा के हम पॉपुलिज्म का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कैसे पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल इनइक्वालिटी से संबंधित है, लेकिन काफी सारा डेटा है, इवन डेटा ही है, सब्सटेंस काफी कम है, ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन इनइक्वालिटी से संबंधित एक बिजनेस लाइन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पेज आज ग्राउंड जीरो है, हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, लोकल इश्यू को कवर किया जाता है ग्राउंड जीरो में, काफी सारी फैक्चुअल डिटेल्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के डिजीज बर्डन पे हम डिस्कस करेंगे, इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा है, काफी इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल है, हिंदू में कवर नहीं हुआ है, उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से संबंधित जो आर्टिकल है उसे हम डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट आपको पता है, मूडी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की है। पहले इंडिया था Baa3 की कैटेगरी में, अब इंडिया आ गया है Baa2 की कैटेगरी में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती क्या है। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है रामू, रामू के लिए रामू के दादा एक वसीयतनामा छोड़ के गए, विल छोड़ के गए। उस वसीयतनामा के अनुसार सारी जायदाद रामू की हुई, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या थी? कंडीशन यह है कि रामू जायदाद का जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करेगा। तो देखो ये जायदाद पढ़ के रामू कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दूसरे देशों के बारे में रामू को ज्यादा जानकारी थी नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रामू गलती कर बैठे, जिम्बाब्वे में इन्वेस्ट कर दे, जहां पे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो रामू इस समस्या से निकलने के लिए जाता है मूडी के पास में। मूडी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडी कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो, हमारा तो काम ही ये है, हम डिफरेंट कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग देते हैं काफी सारे क्राइटेरियाज के आधार पे, जैसे उस देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, रिफॉर्म्स लाए गए हैं कि नहीं लाए गए हैं, इन सब चीजों के आधार पे हम डिफरेंट कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। जिस देश की क्रेडिट रेटिंग सबसे अच्छी है, इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सेफ रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो समझ गए, ये तो था सिर्फ एक एग्जाम्पल। अगर हम जनरलाइज करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम यह होता है कि डिफरेंट कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग देना, और यह क्रेडिट रेटिंग शो करती है कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कैसा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी नहीं रहेगी। अब जिस देश की वहां पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिल्कुल बेकार है, तो वहां पे मूडी उसको क्रेडिट रेटिंग देगा डी के आसपास। अफ्रीका के कई कंट्रीज को दी जा सकती है। अब देखो वर्ल्ड में वैसे तो काफी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन उनमें से तीन मुख्य हैं। फर्स्ट मूडी, जिसने अभी हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की, S&P, फिच। कंट्रीज इन तीनों को सीरियस लेती हैं, बिग थ्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज को ही रेट नहीं करती, और भी काफी सारी चीजों को रेटिंग देती हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमारे इंडिया में भी काफी सारी घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे केयर, क्राइसिल। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफरेंट बॉन्ड्स को रेटिंग्स देती हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो औकात होती है, संभावना काफी कम है कि गवर्नमेंट बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाएगा, तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है उसकी क्रेडिट का जो रेटिंग होती है काफी अच्छी होती है। तो क्रेडिट वर्दीनेस देख के, पास्ट हिस्ट्री देख के डिफरेंट बॉन्ड्स को भी रेटिंग्स देती हैं ये रेटिंग एजेंसीज। तो इस प्रकार से काम करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। आर्टिकल का कहना है कि हाल फिलहाल में सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, यानी जो रिफॉर्म सरकार लेके आई है इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो GST हो या फिर NPAs इंप्रूव करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, इन सभी रिफॉर्म्स का नतीजा है कि मूडी ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव किया है। और कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी दिखाते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? जैसे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हमारे देश में बिजनेस क्लाइमेट को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हायर ग्रोथ रेट के लिए काम करना, ताकि इंडियन जो इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर करे और वो सस्टेनेबल भी हो। यानी ऐसा नहीं कि एक साल इंडिया 9% से ग्रो करे और अगले साल 5% से, हायर ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, और वो ग्रोथ रेट सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। फिर एक बात बोली जाती है आर्टिकल के द्वारा कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी ठीक ठाक है, ये भी काफी अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि देखो अगर
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ठीक ठाक है तो इसका मतलब जैसे 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे वैसी कोई संभावना इंडिया की इकोनॉमी अभी फेस करे ऐसी कोई संभावना है नहीं। और ये खबर सुनते ही जो शेयर मार्केट है उसमें भी उछाल देखने को मिला। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस है अभी इंडिया की इकोनॉमी में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानी बरतने को भी कहा मूडी ने। जैसे अभी इंडिया का जो डेट बर्डन है 2016 के अंदर इंडिया का जो डेट बर्डन है 68% ऑफ द GDP है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इंडिया के रैंक की जो इकोनॉमीज हैं उन इकोनॉमीज का जो डेट बर्डन है वो 44% ऑफ द GDP के आसपास है। इसलिए इंडिया को जो कर्ज का बोझ है वो इंप्रूव करना होगा और इसके लिए काफी सारी चीजें करनी होगी। जैसे जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल बनाया जाए और जो वेलफेयर मेजर्स अभी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उनको एफिशिएंट रूप से इंप्लीमेंट किया जाए और रैशनलाइज किया जाए ताकि जो लीकेजेस वगैरह होती हैं सब्सिडीज में वो लीकेजेस ना हो। और सबसे लास्ट में अब आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि ये बात तो ठीक है लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो गड़बड़ा सकता है, यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि काफी राज्यों के द्वारा किसानों के लिए जो कर्ज माफ किया गया है या फिर 7th Pay Commission है, इवन GST से भी सरकार को उम्मीद के मुताबिक रेवेन्यू हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने परसों डिस्कस किया था किस प्रकार से अभी तक GST इंप्लीमेंट होने के बाद में फर्स्ट मंथ के लिए भी टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं किए हैं, इसलिए काफी डिले हो रहा है टैक्स पेयर्स के द्वारा, वो अपने जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको पे नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो इस बार कम हासिल होगा सरकार को। तो इन सब चीजों की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, समझ गए। लास्ट में एक बात बोली जाती है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको एक बात समझनी होगी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता सरकार के द्वारा अब तय किया गया है उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना और उससे आगे ही चलना होगा ताकि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो और बेहतर हो। तो ये पूरा आर्टिकल था। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे इस मुद्दे पर नहीं बनता है लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर्स में, इसीलिए हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि है पॉपुलिज्म के बारे में। इंदिरा गांधी के जीवन काल से एग्जाम्पल लिए गए हैं इस आर्टिकल में पॉपुलिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। कल बर्थ एनिवर्सरी है इंदिरा गांधी की। देखो सबसे पहले हम पॉपुलिज्म का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लोक लुभावनवाद होता क्या है? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा किस प्रकार से इलेक्शन से पहले फ्रीबीज दी जाती हैं, चीजें फ्री में बांटी जाती हैं, जूसर या फिर साड़ियां, ये सब चीजें फ्री में दी जाती हैं, कंगन फ्री में दिए जाते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो पॉपुलिज्म का हिस्सा है, लोक लुभावनवाद का हिस्सा है, जनता को खुश करने के लिए जो चीजें होती हैं। इवन जो किसानों का कर्ज माफी है वो भी पॉपुलिज्म का एक मेजर कहा जाता है और जो लीडर्स ये पॉपुलिज्म के मेजर्स उठाते हैं उन्हें पॉपुलिस्ट लीडर कहा जाता है। ये तो हुई देखो एक डायमेंशन। अब आर्टिकल काफी सारी दूसरी डायमेंशन भी देता है। जैसे आर्टिकल कहता है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, यानी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए होते हैं, लेकिन वो इज्जत नहीं करते डेमोक्रेसी में जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इज्जत नहीं करते पॉपुलिस्ट लीडर्स। इवन सिविल लिबर्टीज या फिर डिसेंट उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, मसीहा की तरह वो दिखते हैं। एलीट क्लास पे बार बार वो अटैक करते हैं, पॉलिटिक्स में करप्शन पे वो बार बार अटैक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं और सारी पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, समझ गए। तो ये सब आप कह सकते हैं ट्रेट्स बताए गए हैं आर्टिकल के द्वारा पॉपुलिज्म के, पॉपुलिस्ट लीडर्स के। एग्जाम्पल्स अब आर्टिकल देता है कौन कौन से हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। देखो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं माइग्रेंट्स को अपने देश से भगा दूंगा, ये सब बातें जनता को खुश करने वाली बातें हैं। यानी एक बड़ा जो सेक्शन है अमेरिका में वो इन सब बातों से खुश हुआ, इसीलिए उन्होंने ट्रंप को वोट दिए। उसके अलावा बात आती है ड्यूटेरेटे की, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाया जिसमें काफी डेथ्स भी हुई, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी वो डेथ्स, लेकिन वो अपने कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये जो ड्रग के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया था वो उससे जनता काफी खुश हुई और जनता सोच रही थी, जनता को लग रहा था कि इस कैंपेन की एक भारी जरूरत थी क्योंकि ड्रग्स का जो मैनेज था वो फिलीपींस में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन पावर अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ड्यूटेरेटे फिलीपींस में। इवन आर्टिकल नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल देता है, लेकिन आगे काफी सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं इंदिरा गांधी से। ये तो पॉपुलिज्म का बेसिक कंसेप्ट था। इंदिरा गांधी किस प्रकार से पॉपुलिस्ट लीडर थी, किस प्रकार से उन्होंने डेमोक्रेसी को डिसरिस्पेक्ट किया, अब वो सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। आर्टिकल का कहना है कि 1971 के इलेक्शन से पहले इंदिरा गांधी को एक बात का पता चल गया कि दो ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है। कौन कौन से ग्रुप्स के बीच में? एक वो ग्रुप जिसके पास में लैंड है और एक वो ग्रुप जिसके पास में लैंड नहीं है, यानी लैंडलेस। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज्यादा गैप है, और इसी बात को समझा इंदिरा गांधी ने और इसी बात को प्रमोट किया आगे, नारा दिया गरीबी हटाओ का, यानी गरीबों के लिए फर्म स्टैंड लिया इंदिरा गांधी ने। और भी काफी सारे स्टेप्स लिए जैसे
14 जो कॉमर्शियल बैंक्स थे 1969 में उनको कॉमर्शलाइज कर दिया गया। प्रीवी पर्सीज, जैसे देखो जो राजे रजवाड़े थे 1947 से पहले जब उनको इंटीग्रेट किया गया था, उसमें जैसे सरदार पटेल ने जब एफर्ट्स लगाए थे तो कई राज्य रजवाड़ों के जो राजा थे उनको इस शर्त पे इंटीग्रेट किया गया था कि आपको भारत में शामिल होने पे कई तरह की प्रिविलेजेस दी जाएंगी, जैसे उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी 1947 के बाद जब वो इंडिया में इंटीग्रेट हुए, तो उन राजा महाराजाओं पे इंडिया में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन सब चीजों को खत्म कर दिया, यानी जो ये प्रिविलेजेस दिए गए थे राजा महाराजाओं को इंटीग्रेशन के बाद, वो सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दी इंदिरा गांधी ने। और इन सब चीजों का फायदा भी हुआ, 1971 में जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आई इस इलेक्शंस में, और इंदिरा गांधी की ही लीडरशिप में बाद में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, फूड सफिशिएंसी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की, न्यूक्लियर और स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस की। तो ये तो हुई अच्छी बात है कैसे उन्होंने काम किया, लेकिन अब बात करते हैं कैसे उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड किया। उन्होंने बात की कमिटेड जुडिशरी की और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की। देखो इंदिरा गांधी के समय काफी टकराव देखने को मिलता था जुडिशरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें चाहिए, हमारे देश को चाहिए कमिटेड जुडिशरी, यानी उनका मतलब इनडायरेक्ट इशारा यह था कि ऐसी जुडिशरी हमें चाहिए जो प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित हो, जो सरकार के प्रति समर्पित हो। उनके हिसाब से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल गलत है। इवन उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कहा कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। देखो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल रहेगी, यानी अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो निष्पक्ष राय देगी सरकार को कि जो मेजर आप उठाने जा रहे हैं ये गलत है। ये काम है सिविल सर्वेंट का कि एग्जीक्यूटिव्स को बिल्कुल एकदम न्यूट्रल राय देना जो सही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी से उनका मतलब जो इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी थी उसके प्रति ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए। तो ये सब चीजें इंदिरा गांधी ने की। बाद में आपको पता है इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, 2 साल तक ये इमरजेंसी चली, और इस इमरजेंसी के दौरान सिविल लिबर्टीज को कर्ब किया गया, ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और जो मूवीज थी उनको भी सेंसर किया गया, किशोर कुमार के जो गाने तक थे वो भी बंद करवा दिए गए। और लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने 20-point प्रोग्राम चलाया इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि गरीबों को अपने पक्ष में किया जा सके। याद कीजिए वो पॉपुलिज्म का कंसेप्ट, मसीहा की तरह दिखने की कोशिश करते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स। उसके बाद लेकिन ये सब चीजें काम नहीं की और हार करके इंदिरा गांधी ने 1977 में इमरजेंसी हटा दी। तो ये पूरा कंसेप्ट था पॉपुलिज्म का। क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म से आप क्या समझते हैं, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि पॉपुलिज्म अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और देश के विकास के लिए। 250 words में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और देखो जब आप आंसर दो इस क्वेश्चन का, तो पॉलिटिकल लीडर्स के नाम मत इस्तेमाल करना, जैसे इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी नाम मत आप इस्तेमाल करना, कंसेप्ट आप इस्तेमाल करना। जैसे कंसेप्ट है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का, कमिटेड जुडिशरी का, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स का, ये सब चीजें आप इस्तेमाल करना। आमतौर पे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं काफी ज्यादा, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है कि दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन हो ये पॉपुलिज्म से संबंधित, और आप किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर का इस्तेमाल कर दो और उस पर्सन जो चेक कर रहा है उसकी आइडियोलॉजी उस पॉलिटिकल लीडर से अलग है, या फिर वो नाराज हो जाए, आगे देखो पूरा पेपर उसको चेक करना है, तो उसकी इमेज परसेप्शन है वो आपके प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, पॉलिटिकल लीडर्स के आप नाम मत लिखिए, हाँ कंसेप्ट जरूर आप लिख सकते हो। आगे ऐसे का कोट भी देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग। मतलब ये है इस कोट का, देखो वैसे तो संविधान एक लाइफलेस थिंग है, मशीन की तरह होता है, लेकिन उस मशीन में जान आ जाती है जब कोई मैन उसे ऑपरेट करता है। मैन का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, और देखो अगर जो मैन उसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, अगर वो कैपेबल हैं, उनकी इंटीग्रिटी अच्छी है, तो कितना ही बुरा संविधान हो उस बुरे से बुरे संविधान में वो बेस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो पर्सन संविधान को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव, उनकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तो उनको कितना ही अच्छा संविधान आप बना के दे दीजिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, वो संविधान को और ज्यादा डिग्रेड करेंगे। तो ये कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो कि किस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव हैं और लेजिस्लेचर्स हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उन पर निर्भर करता है कि संविधान कैसे परफॉर्म करेगा देश के अंदर। आगे एक और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो इस बार आया था पेपर 2 में, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक के मेन फंक्शन आपको बताने हैं, और ये भी बताने हैं जो डिफरेंट कमीशंस हैं वो कैसे अटैच्ड हैं इकोसॉक से। 150 words में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया के डिजीज बर्डन के बारे में है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन।
ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे इंडिया कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों तरह के डिजीज की मार झेल रहा है। अब परसेंटेज कितना कितना है, देखो एग्जाम्पल हम मानते हैं, मान लीजिए टोटल 100 डेथ्स होती हैं, तो 100 में से 62 के आसपास जो डेथ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं, जैसे कि डायबिटीज या फिर कैंसर इत्यादि रोग, और जो बाकी बची हुई 28 जो डेथ हैं वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज, मैटरनल डेथ्स, न्यूनेटल डेथ्स और न्यूट्रिशनल डिजीज। मैटरनल डेथ वो डेथ होती हैं बच्चे के जन्म के समय जब मदर की डेथ हो जाती है, और न्यूनेटल डेथ वो डेथ होती हैं बच्चे के जन्म के बाद 28 दिनों के अंदर अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो होती हैं न्यूनेटल डेथ्स। और न्यूट्रिशनल डिजीज होती हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर हिडन हंगर की वजह से। तो कम्युनिकेबल, मैटरनल, न्यूनेटल, न्यूट्रिशनल, इन सब रोगों से मिला के जो डेथ होती है वो है 28 डेथ 100 में से। और देखो जो प्रॉस्पर स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, पंजाब, गोवा, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइफस्टाइल की वजह से डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कैंसर और जो डायबिटीज जैसी चीजें हैं वो प्रॉस्पर स्टेट में काफी ज्यादा होती हैं। अब देखो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ है जैसे कैंसर, डायबिटीज, इन सब चीजों को रोका जा सकता है अगर लाइफस्टाइल में प्रॉपर रूप से चेंज लाया जाए, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज की जाए या फिर योगा की जाए, अगर ये सब चीजें अडॉप्ट की जाए अपने लाइफस्टाइल में तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो आंकड़ा है उसको कम किया जा सकता है। और ये तो देखो पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है वो कई देशों में कारगर सिद्ध हुई है। हेल्थ एश्योरेंस स्कीम में क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसको पर कैपिटा के हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं, एक बंदे के हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं, और उसको ये कहा जाता है कि पैसे ले लो आप एक बंदे के हिसाब से, लेकिन हमें जो हेल्थ सेक्टर में आउटकम चाहिए वो इतनी चाहिए, यानी उनको पहले से बता दिया जाए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो डेथ्स हो रही हैं उनका उसका आंकड़ा हमें इतना चाहिए, और पर कैपिटा के हिसाब से हर बंदे के हिसाब से आप पैसे ले लो। तो इससे होगा क्या, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रिवेंटिव मेजर्स काफी लेगा, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन चलाना हो या फिर मैराथन ऑर्गेनाइज करवाना हो, ये सारे कैंपेन्स चलाए जाएंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से जो उसको ठेका मिला है उन डेथ्स को कम किया जा सके। समझ गए, तो ये है हेल्थ एश्योरेंस स्कीम्स का कांसेप्ट। आगे वे फोर्ड में कहा जाता है कि अच्छी बात यह है कि इंडिया जो स्वच्छ भारत अभियान इंडिया ने जो चलाया है, यानी सैनिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उससे डायरिया और मालन्यूट्रिशन की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें कमी आएगी। इंडिया को अभी चाहिए कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो ये रेट है, उसको कम किया जाए, यानी बच्चे के जन्म के समय जो मदर्स की डेथ होती है उस आंकड़े को डेफिनेटली कम किए जाने की आवश्यकता है। और लाइफस्टाइल डिजीज से निपटने के लिए सस्टेन मेडिकल केयर चाहिए और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इनइक्वालिटी से संबंधित है। आर्टिकल का कहना है कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो हमारे देश में जो रीजनल इकोनॉमिक और जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको दूर करना होगा। इनइक्वालिटीज सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की नहीं, बल्कि इनइक्वालिटीज रीजन के बेस पे। रीजन के बेस पे कैसे, देखो हमारे देश में कुछ रीजन ऐसे हैं जो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जिनको जितनी तेजी से ग्रो करना चाहिए वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इवन दूसरी चीज़ों पर भी इनइक्वालिटीज, जैसे वुमन का अभी भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। अगर वुमन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है लेबर फोर्स में, ना सिर्फ इससे इक्वालिटीज आएगी बल्कि इससे हमारी जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो एक लेवल के बाद अगर इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ठीक से परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, वो भी तेजी से ग्रो कर रही हैं। अगर यही चलता रहा, अमीर और गरीब के बीच की जो असमानताएं हैं वो बढ़ती गई, अगर गैप जो है वो इंक्रीज होता गया, तो देखो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी, जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो बढ़ेंगी। तो ये जो एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, फिर से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा यही है कि अभी सरकार के पास मौका है, जो भी इनइक्वालिटीज हैं, जो भी असमानताएं हैं, उनको दूर किया जाए। अब देखो स्टेप्स अलग अलग हैं। अगर देखो रीजन वाइज अगर इनइक्वालिटीज दूर करनी है तो स्पेशल इंसेंटिव सरकार दे सकती है और दे भी रही है, लेकिन सरकार को अब देखने की आवश्यकता है, इवेल्युएट करने की आवश्यकता है कि इतने ज्यादा सब्सिडी देने के बाद, इतना ज्यादा इंसेंटिव देने के बाद फिर भी नॉर्थ ईस्ट रीजन क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी क्यों नहीं वुमन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है। देखो एक आंकड़े के अनुसार
सरकार जो जॉब्स क्रिएट कर रही है, हर एक साल 12 मिलियन लोगों के लिए सरकार जॉब्स क्रिएट कर रही है, लेकिन अभी भी 34 साल से नीचे 800 मिलियन ऐसे जो लोग हैं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो जो देखो, अगर यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर इंडिया को यूज करना है तो उसके लिए स्टेप्स उठाने होंगे, अदरवाइज सिचुएशन जो है अगर इसी तरह से इनइक्वालिटीज बढ़ती गई तो सिचुएशन काफी विस्फोटक सिद्ध हो सकती है। तो ये इनइक्वालिटीज के बारे में पूरा आर्टिकल था कि किस प्रकार से इनइक्वालिटीज आगे जाके बहुत खतरा पैदा कर सकती है और सरकार को चाहिए कि ये जो असमानताएं हैं हमारे समाज में रीजन बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, इन सभी समान असमानताओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो फिलहाल आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।